हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कन्फर्मल मैपिंग में कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कन्फर्मल मैपिंग का एकदम बेसिक जाना था कि कन्फर्मल मैपिंग होती क्या है और उसमें दो ग्राफ क्यों बनते हैं, एक तो जेड प्लेन का अलग से और डब्ल्यू प्लेन का अलग से। वो सब हमने उस वीडियो में जाना था, तो वो वीडियो आप जरूर देखें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग चार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैपिंग ही होता है, एक ही बात है, आप ये समझे। तो चार तरह की मैपिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एलिमेंट्री मैपिंग्स ये चार ही होती हैं, उसके बाद इसके मिक्सचर से और तरह की मैपिंग्स जनरेट की जा सकती हैं। तो बेसिक मैपिंग ये चार ही है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन, ये तीन लोग मिलके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड अगर आपने कहीं सुना है तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस मैग्निफिकेशन हो रहा है उसमें, एक में ही तीनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज आ रहे हैं। और अगर कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखा है जिसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, मैग्निफिकेशन भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है, तो उसको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्फर्मल मैपिंग का, तो वहां तक पहुंचने के लिए ये चार ट्रांसफॉर्मेशन हमें डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं इन चारों का यूजिंग दीज डायग्राम्स। उसके बाद एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि होते क्या हैं। इस वीडियो से आपको अंदाजा तो लग जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें करना क्या होता है, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। समझने के लिए ये लेक्चर बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। तो मैंने क्या किया है, एक जेड प्लेन में ग्राफ लिया है, एक रेक्टेंगल बनाया है जेड प्लेन में, उस रेक्टेंगल का ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम लोग, रोटेशन कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन कर रहे हैं और इन्वर्जन कर रहे हैं। एक ही डायग्राम में चारों चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा चारों होते क्या है, चारों में डिफरेंस क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए होगा क्या कि आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए कुछ जेड प्लेन में दे रखा होगा, किसी भी तरह का डायग्राम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पूरा इतना बड़ा सा डायग्राम हो सकता है, केवल एक पॉइंट हो। तो डायग्राम कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगल की जगह सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कोई डायग्राम हो सकता है। बात यह है कि ट्रांसलेशन में करते क्या है। ट्रांसलेशन का मतलब है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। तो ट्रांसलेशन में जस्ट ये जो डायग्राम है इसकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज उठा करके पहुंचाना है इधर उधर, इधर से उधर पहुंचाना है। तो यहां पर ट्रांसलेशन में जैसे मान लीजिए 2+ iota पे पहुंचाना है इस डायग्राम को, तो 2+ iota का मतलब है 2+1 iota, दैट मीन्स 2.1। तो अगर इसको उठा करके, पूरा डायग्राम उठा करके 2.1 पे पहुंचा दिया, तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, स्थानांतरण हो गया, हर एक पॉइंट 2.1 पॉइंट शिफ्ट हो गया हर जगह से। ये पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट यहां आ गया और ये पॉइंट यहां आ गया, सभी में 2+ iota ऐड हो गया। जैसे ये पॉइंट है 0+ iota 0, इसमें ऐड हो गया 2+ iota, ये बन गया। जैसे ये पॉइंट है 1+ iota 0, उसमें 2+ iota ऐड हो गया, ये बन गया। इस तरह से ये ट्रांसलेशन बनता है। तो ट्रांसलेशन में अल्टीमेटली करना क्या होता है, इसको उठाया इधर उधर शिफ्ट किया, बस शेप नहीं चेंज करनी है, एज इट इज रहेगी, ना इसको घुमाना है इधर उधर, बस यूं उठा करके हम केवल ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते, ना घुमा सकते हैं ना बड़ा छोटा कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में सिर्फ इधर उधर शिफ्ट करना है और कुछ नहीं कर सकते। अब इसका रूल क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस एल्फा, इसका रूल होता है ट्रांसलेशन का। इसका मतलब क्या है, जेड मतलब आप समझो ये डायग्राम, जेड मतलब जेड प्लेन में जो भी पॉइंट्स हैं जिनका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उन सभी को जेड बोल दिया। अब डब्ल्यू प्लेन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होके मिलेगा वो क्या मिल रहा है, जेड प्लस एल्फा, मतलब जेड प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जेड प्लेन पर ये इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं इस रेक्टेंगल में, इस रेक्टेंगल में जो इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं उन सभी में एल्फा एड करके डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं जेड प्लस एल्फा, कि जेड में एल्फा और जोड़ दो तो शिफ्ट हो जाएगा बस। अब बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन का मतलब है ये डायग्राम एज इट इज रहेगा, बस इसको किसी एंगल पे घुमा दो, ये किसी एंगल पे घुमा दिया और घुमा दिया, कितने भी एंगल पे घुमा दो, इसको जस्ट घुमाया है, ये देखो आप इसको जस्ट यूं घुमाया है, कितने एंगल पर, एल्फा एंगल पर। तो अगर केवल किसी पर्टिकुलर एंगल पे घुमाओगे तो e की पावर आयोटा एल्फा से मल्टीप्लाई कर दो उसको। e की पावर आयोटा एल्फा क्या है, यहां पर e की पावर आयोटा एल्फा इसका एंगल चेंज करने का काम कर रहा है, रोटेट करने का काम कर रहा है, किसको, जेड को, कि जेड
जेड मीन्स ये रेक्टेंगल जो जेड प्लेन पे हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसी को जेड बोलते हैं। जेड प्लेन में जो भी चीज है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए वो जेड है। W मतलब W प्लेन पे क्या मिलेगा, W प्लेन में Z को e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा। रोटेट कर दिया इस चीज ने अल्फा एंगल पूरे के पूरे Z को, तो इस तरह से रोटेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि W प्लेन में जो आएगा वो Z प्लेन से सीधा अल्फा टाइम्स आएगा, अल्फा से गुना होके आएगा। यहां अल्फा रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब जैसे मान लो कि हम जेड प्लेन में जो भी डायग्राम है उसको अल्फा की वैल्यू अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं, मतलब अल्फा अगर 2 हो जाए तो W इज इक्वल टू 2z मिलेगा, मतलब ये डबल होकर के मिलेगा, सीधा दो गुना होकर के मिलेगा। अगर मैं यहां अल्फा की वैल्यू 1.5 कर दूं, डेढ़ गुना होकर के मिलेगा। मैंने वही डायग्राम बनाया है, दो गुने वाला डायग्राम काफी बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने वो नहीं बनाया। मैंने अल्फा की वैल्यू 1.5 ली है, यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो अल्फा 1.5 है तो देखो 1 से 1.5 हो गया, ये भी बड़ा हो गया थोड़ा सा, 2 से 3 पहुंच गया, तो मैग्नीफाई हो गया, ये जूम हो गया एक तरीके से, बड़ा हो गया ये, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। कितना गुना बड़ा करना है वो यहां पर आएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है। अगर अल्फा की वैल्यू आपने 0 से 1 के बीच में कुछ ले ली, 0 से 1 के बीच में मतलब 1/2 ले ली, जैसे 1/2 अगर लोगे तो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो ये डायग्राम इस तरह का दिखेगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, इसकी जगह भी आधा हो जाएगा, तो इतना सा डायग्राम बनेगा फिर उस केस में। तो ये डिपेंड करता है इस पर, ये स्केलिंग फैक्टर है, कितनी स्केलिंग करनी है यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो डायग्राम बड़ा होगा, ये 1 से छोटा है तो डायग्राम ओरिजिनल डायग्राम से भी सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन किया जाता है। और बेसिक रूल्स हैं, एकदम बेसिक और जेन्युइन रूल्स हैं, इसमें कहीं कुछ हेर फेर नहीं है, सिंपल सा रूल है, आप इजीली समझ सकते हो तीनों को एक ही डायग्राम से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इन्वर्जन होता है 1/z, मतलब जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनका रेसिप्रोकल ले लो, और रेसिप्रोकल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जैसे आपके पास ये ही नंबर है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा 1.2, 1.2 का मतलब होता है 1+2 आयोटा। अगर इसी का 1/z करें तो इतना सिंपल नहीं होगा, 1/z करेंगे तो रेसिप्रोकल करने के लिए आपको यहां पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1-2 आयोटा और नीचे 1² + 2² कहने का मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आता है, इसलिए इसके डायग्राम का इतनी आसानी से आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। फिर भी मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है और मैंने ये डायग्राम बनाया है, जो मैं केवल आपको अभी बता रहा हूँ, डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे तो ही आप इसको समझ पाओगे। बाकी सबको समझना आसान है, इसको इतना आसानी से डायरेक्ट समझना आसान नहीं है। मतलब ये जो 0 से 1 है इसकी मैपिंग ये है, मतलब अगर हम यूं जाएं, इसका मतलब है हम यूं आ रहे हैं, उसके बाद इस चीज की मैपिंग इसमें ये इस सर्किल से होती है, केवल इतना हिस्सा, ये सर्किल पूरा नहीं लेना, केवल इस सर्किल का इतना हिस्सा लेना है। उसके बाद ये जो लाइन है ये बन रही है यूं, और उसके बाद ये जो लाइन है यूं आ रहे हैं अगर हम, तो वो यूं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये जो पॉइंट बी था ना, उसका बी डैश ये बना है, और ये जो सी पॉइंट है उसका ये सी डैश ये बना है, और ये डी डैश बना है। तो इस तरह की मैपिंग यहां पर होती है, थोड़ी सी अजीब सी है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, उस समय आपको समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐड कर दिया। अब ये अल्फा जरूरी है पॉजिटिव नंबर ही हो, ये हो सकता था -2+iota, तो वो -2.1 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाते सबके सब। -2.1 मतलब -2 इधर कहीं होता, 1 इधर कहीं होता, तो मतलब ये डायग्राम यहां ना हो करके इधर कहीं शिफ्ट हो जाता। अल्फा पे डिपेंड करता है कि कहां शिफ्ट करना है आपको डायग्राम को, कहां ट्रांसलेट करना है आपको डायग्राम को, ठीक है। रोटेशन में ये एंगल तय करेगा, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बात ध्यान रखनी है। डायग्राम एज इट इज रोटेट हो जाएगा। उसके बाद मैग्निफिकेशन में यही तय करता है सब कुछ, बस ये रियल नंबर होता है, ध्यान रखें आप। अगर आपने इसको कॉम्प्लेक्स ले लिया तो मैग्निफिकेशन प्लस रोटेशन दोनों हो जाएगा। अभी हम बेसिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंगल सिंगल डिस्कस कर रहे हैं, तो उस केस में ये रियल लेना है अपने को।
और इन्वर्जन में तो सिंपल 1/z होता है, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा। मेरे ख्याल से बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है मैथमेटिकली, और उसके एग्जांपल्स को किस तरह से सॉल्व करोगे आप एग्जाम में, और रोटेशन, मैग्नीफिकेशन और इन्वर्जन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और बेटर समझ में आने लगेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।